जिला टास्क फोर्स कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राई रन की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 5 जनवरी को कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीडीओ ने बताया कि यह ड्राई रन जनपद में 6 जगहों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के खोराबार, कैंपियरगंज एवं भटहट तथा शहरी क्षेत्र में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला महिला अस्पताल तथा शाहपुर में आयोजित होगा। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस कार्य हेतु टीम तैयार कर लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि ड्राई रन वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है, वैक्सीनेटर का विवरण अपलोड हो चुका है और संबंधित कार्मिकों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि टीका लगने के बाद आधा घंटा एक कक्ष में 6 फीट की दूरी पर बैठकर वैक्सीनेटर का इंतजार करना होगा। इसके अतिरिक्त एक कक्ष में वैक्सीनेशन कक्ष और दूसरा वैक्सीनेटर कक्ष होगा। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग को आपसी समन्वय बनाकर कार्यक्रम की 100% सफलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, लेकिन आपको पूरी टीम में सपोर्ट मिलेगी तो ये मीटिंग तो बहुत अच्छी होगी। मुझे पता नहीं लगे आप सॉरी, तो मैं इसीलिए मेरी फोकस कर रहा था। सब लोग जानते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं। 6 वैक्सीनेशन साइट पे 12 बूथ लगाकर और एक मॉक ड्रिल का पूर्वाभ्यास कर इसी की तैयारियों के संबंध में आज ये डीटीए बुलाई गई है। हम लोगों ने सर वो जगह चयनित कर लिए हैं जहाँ के ये मॉक ड्रिल संपन्न होने हैं। कौन कौन से ये जगह है सर? खोराबाद, 3 ग्रामीण और 3 शहरी क्षेत्रों में हम लोग को ये लिए जाने थे। तो सर ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने खोराबाद, कैंपियरगंज और भटहट लिया है और शहरी क्षेत्र से बीआरडी मेडिकल कॉलेज, शाहपुर अर्बन पीएससी और डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल लिया है। शाहपुर छोटी जगह नहीं हो? शाहपुर हमारा कोल्चेन पॉइंट है। अच्छा, कोल्चेन पॉइंट। लाभार्थी की सूची बना ली है जो कि उस दौरान वहाँ रहेंगे। और इसमें कराओगे क्या? ड्राई रन का मतलब क्या होता है वो बताओगे? सर इसमें बेसिकली ये होगा सर, बस हमें जो मान लीजिए सर कल वैक्सीनेशन ही होना है तो उस वैक्सीनेशन के लिए जो जो तैयारी, यानी कल वैक्सीनेशन हो रहा है बस वैक्सीन को छोड़ के कल मान लीजिए सर वैक्सीनेशन हो ही रहा, बस ये ही काम नहीं हो रहा, वैक्सीन बेनिफिशियरी को लगेगा नहीं, उसको छोड़ के बाकी सब काम होने हैं। यानी हमारी प्रिपरेशन से चेक करने के लिए मॉक ड्रिल होता है ना सर की, और तैयारी चेक करने की हमारे काम में क्या चीज रहेगा बाकी सब में जी अभी सर प्रोसेस में ही एक बार सर। उसके अलावा सर जो वैक्सीन आएगी तो राज्य स्तर से जैसे गोरखपुर को प्राप्त होगा, गोरखपुर से जैसे ब्लॉक को जाएगा, वो वैक्सीन का फ्लो भी उसमें है। अब तक इन सब के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस थे, तो जब इंटीग्रेशन हुआ तो वहां पे उसको सीखना सिखाना करके देखना, और चूंकि एग्जैक्टली ये साइंस है तो जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स में करके सीख देखते हैं वो चीज है। और सरकार ये एक्सेप्टेंस देखना चाहती थी कि यदि हम इतना बड़ा डेटाबेस कुछ खड़ा किए हैं तो जब लोग उससे फैमिलियर होंगे तो लोगों का जो बिहेवियर, जैसे कहा गया है कि फर्स्ट जो आएंगे उसको एक सिक्योरिटी पर्सनल चेक करेंगे, तो क्या वो चेकिंग जो पहले के कैंपेन्स में नहीं होती थी वो कितना एक्सेप्टेंस लेगा? लोगों को कहा गया है कि टीका लगने के बाद आधा घंटा आप 6 गज की मतलब 6 फीट की दूरी बना के बैठे और हम वेट करेंगे कोई AFI होता है, तो चूंकि नई वैक्सीन है तो वो AFI के लिए बैठना और बैठने के दौरान कैसे हम क्राउड को मैनेज करते हैं, लोगों को बता पाते हैं, एक तो कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत भी और दूसरा नई वैक्सीन के तहत भी, तो इन सब चीजों को शुरुआत में 4 अलग अलग राज्यों में किया गया था। मॉक ड्रिल लखनऊ में भी 1 महीने पहले हुआ था, लेकिन एक ये मौका अपॉर्चुनिटी दिया गया कि यदि हम ये करके सीख लेंगे तो हमारी वो टीम जहां 6 जगह हो रहा है वो तैयार हो जाएंगे, और सर छोटे जनपदों में तो जहां की 10 ब्लॉक हैं वहां और 5 लोगों को उन जगह पे बुला लिया गया कि आप भी आके देखो, ऑब्जर्व करो, सो दैट कि जब आप अपने यहां करेंगे तो ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। तो
बेसिक मंशा ये है। प्रपोज्ड एक्टिविटीज है जो ड्राई रन के लिए सर, पहली बात जो डीटीएफ मीटिंग्स की बात हो रही है सर, वो तो आज हम कर रहे हैं सर। सर नेक्स्ट पॉइंट सर, इस अभियान के लिए 6 जगह चिन्हित किए गए हैं। गोरखपुर में सर एक शाहपुर है, एक डिस्ट्रिक्ट वुमन हॉस्पिटल है, बीआरडी ऑफ मेडिकल कॉलेज है, होटल पे कैसा एक्सेप्टेंस होगी और हमारी वैक्सीनेटर को कितना टाइम लगेगा, तो उसकी अपलोडिंग सर ये कल से हम लोग कोविड वैक्सीन का गोरखपुर में ड्राई रन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 6 जगह चिन्हित की गई है, 3 ग्रामीण 3 शहरी, जिसमें हमारे बीआरडी खोरावार और बाकी सीएचसी 4 सीएचसीज हैं, और जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके लिए अभी मीटिंग हुई है, और एक हम लोग ट्रेनिंग आज दोपहर में करेंगे, इसमें सब विभागों के सहयोग से हम इसको सफल बनाएंगे। किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई आज? जो चर्चा हुई है कि पुलिस विभाग का क्या रोल रहेगा, और जो वैक्सीनेशन करेंगे उनका क्या रोल रहेगा, और जो DPRO है उनका क्या रोल रहेगा, जब बाकी विभाग जितने हमारे पशुपालन है, वैक्सीनेटर है, उसकी सिक्योरिटी, हर चीज़ पे हमने चर्चा की, और इसको कैसे प्रचार प्रसार करना है इसके लिए भी हमने पूरी चर्चा करके एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।